हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर लॉकर में बॉम्ब लगा रखा था विशाल को मारने के लिए। डॉक्टर सब देखिए सर। कर कौन सकता है सर? वही जो विशाल के पीछे पड़ा है। सर ये बॉम्ब उस वक्त नहीं फटा जब विशाल ने अपनी टी शर्ट लॉकर से निकाली। ये बॉम्ब तब लगाया गया जब मैच चल रहा था, यहाँ कोई था नहीं। और सर मैनेजर ने भी कहा था कि इस लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर अपनी जगह पर नहीं थी। सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पर नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। अंदर वाला है कोई, मौके का फायदा उठाया और बॉम्ब लगा दिया। जीत, इस लॉकर को फॉरेंसिक लैब ले जाकर के अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे फॉरेंसिक भिजवाता हूँ। सर लॉकर में बॉम्ब कैसे आया सर? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने लॉकर में बॉम्ब पिक कर दिया। पर सर ये कैसे और कब हुआ पता ही नहीं चला। देखिए, ये कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अच्छा ये बताइए, ये मैनेजर को यहाँ से चाबी लेकर लॉकर रूम में पहुँचने में इतना टाइम क्यों लगा? चाबी कहाँ रखी थी आप? सर उस वक्त मैं रिसेप्शन पर नहीं थी, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैनेजर साहब चाबी लेकर लॉकर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं मालूम कि मैनेजर साहब को इतना टाइम क्यों लगा चाबी लाने में? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैनेजर से पूछते हैं। ए भाई, यहाँ क्यों लेके आए? फॉलो मी। शेरो, ये देख मेरी क्या हालत हो गई है। अभी मैं कोई भी काम हाथ में नहीं ले सकता। अरे ये लोग तेरा हालचाल लेने आए रहे भाई है सब मेरे। विशाल का खून करके यहाँ पे आके लेटा है, नाटक कर रहा है तू? नहीं साहब। जागीरा, एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग, उसको सारी की सारी हड्डियां टूटी हुई है, ऐसे मत करिए। सॉरी। कैसे हुआ ये सब? वो सब कल रात कुछ लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाया था, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कंबल में लपेट के बहुत बुरी तरह पीटा मुझे। और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अब ये बता विशाल को कैसे मारा? जैसे ही कि मैं स्टेडियम गया था किसको मारने के लिए, प्लम्बर ने कहा था कि मैं स्टेडियम पहुंच जाऊं, वहां दीपाली को फोन आएगा और मैं पूरी तैयारी के साथ स्टेडियम गया, पर क्रिस्टोफ फोन नहीं आया। मैं वापस चला गया वापस। पंकज ले जाओ सुबह। कैसे हो अभी? ठीक हूँ सर, बस बच गया, वरना तो
मैं नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि एक घंटे बाद छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा ये बताइए कि चाबियां कहाँ रखी हुई थी जो आपको लाने में इतना समय लग गया? उसके लॉकर की चाबी मुझे एक फ्लावर पॉट में मिली। फ्लावर पॉट? हाँ सर। वैसे ये चाबियां रहती कहाँ हैं? सर चाबियां तो खिलाड़ियों के पास ही रहती हैं, मगर हाँ सर उनकी डुप्लीकेट चाबियां रिसेप्शन पे भी रहती। डुप्लीकेट चाबी रिसेप्शन पे और वहां से गायब। लॉकर में से बस मिला तो बहुत कुछ है यार। बहुत कुछ मिला तो जल्दी बता ना। नहीं पर अभी बता नहीं सकता। ये क्या बचपन है सालों के? यार बचपना नहीं है, इस लॉकर में बहुत सारी उंगलियों के निशान मिले। एक एक निशान को बहुत बारीकी से उठा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब कुछ बताऊंगा ना यार। ठीक है ठीक है। और जला हुआ लेटर उसका क्या? उस जले हुए लेटर की भी केमिकल एनालिसिस चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। सर सर इस चाबी पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साबुन। चाबी पे साबुन लगा हुआ है? अच्छा चाबी पे साबुन यार साळुंखे, चाबी पे तो साबुन वही लगाएगा ना जो इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना चाहता है। साबुन में डालकर इसका निशाना उठाकर पता लगाओ आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उनसे पूछताछ करो। वैसे यहाँ पे कोई चाबी बनाने वाला बैठता है क्या? हाँ सर हाँ, वो वॉशरूम के पास में है वो। चाबी अर्जेंट है साहब, अभी टाइम लगेगा, जल्दी हो कहीं और करवा लीजिए। चाबी बनवानी नहीं है, चाबी के बारे में पूछना है। मैं क्या खाली दिख रहा हूँ यहाँ पे साहब? कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे आप लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा साहब, आप लोग तो वैसे भी उगलवाने में बदनाम है। अरे नहीं साहब, इतनी बड़ी बात मैं अपने मुँह से कैसे कह सकता हूँ। डर रहे हो सीआईडी से? हाँ? कौन नहीं डरता साहब, गलती करोगे तो डरोगे ही ना। गलती की है ना तुमने? क्या साहब? अभी हाल में एक आदमी आया था साबुन पे चाबी की छाप लेके। जी साहब। इसको स्कैन करो। सर तो तुमने चाबी बनाई क्या? बनाई थी साहब। अच्छा ये साबुन पे जो छाप लेके आया था आदमी उसे पहचान लोगे तुम? पहचान लूंगा साहब अगर सामने आया, पर वो आदमी नहीं औरत थी। क्या औरत थी? जी साहब। क्या स्केच बनवा सकते हो? जी साहब बनवा दो। ठीक है आ जाओ। ये तुम्हारा आखिरी मैच, इतना ही समझ में आ रहा है? आगे पीछे क्या लिखा हुआ है कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा।
सणखे लगता है खुदी ने विशाल को धमकी भरा खत लिखा है मैच शुरू होने से पहले। सर लेकिन इस विशाल ने किसी को बताया क्यों नहीं कि इसकी जान को खतरा है? वही तो एक ही हो सकता है, या तो विशाल ने वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं, या फिर खूनी समझ गया कि विशाल मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने बॉम्ब लगवा दिया। चेहरा थोड़ा गोल, बाल लंबे, लॉकर में से जो चिट्ठी मिली थी वो धमकी भरी चिट्ठी थी। अगर इस औरत ने, जिसका ये चाबी वाला स्केच बनवा रहा है, अगर इस औरत ने वो बॉम्ब लगाया था लॉकर में, तो फिर वो धमकी भरी चिट्ठी क्यों रखेगी? और सर अगर विशाल को मारने के लिए इस औरत ने उसके टी शर्ट पे जहर लगा दिया था तो फिर बॉम्ब रखने की क्या जरूरत है? और बॉम्ब भी इतना ताकतवर नहीं था कि उसके फटने से कोई मर जाए। हो सकता है ये औरत अनजान थी बॉम्ब के पावर के बारे में। स्केच बन गया। सर ये तो महाकांता है। महाकांता? कौन है ये महाकांता? सर ये स्पोर्ट्स क्लब की मेंबर है। मगर सर महाकांता के इस विशाल से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो इससे पूछताछ करने पर ही पता चलेगा दया। गिरफ्तार कर लो इस महाकांता को। सर पंकज, महाकांता अंदर है मगर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बात कर रहे हो? कहां सर? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो अंदर है, मैंने देखा है। सर अगर वो अंदर है ना तो यही मौका है सर, हम लोग दोनों अंदर घुस जाते हैं और उसको जाके पकड़ लेते हैं। दया सर हम लोग को देख के खुश हो जाएंगे और हमारे प्रमोशन की बात आगे करेंगे सर। वो सब तो ठीक है मगर ये दरवाजा खुलेगा किसे? दया सर के नाम से सर, नाम में बहुत ताकत होती है। नाम में ताकत? अरे वो ऐसे सर। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? बता। सर एसीपी सर आपके पीछे खड़े। एसीपी सर क्यों? हेलो सर। देखा आपने सर, अब एसीपी सर के नाम से इतना बहादुर आदमी डर गया तो ये दरवाजा तो लकड़ी का बना है, दया सर के नाम से तो एकदम बिखर जाएगा सर। आजा तोड़ते सर। और पंकज कहाँ? सर, प्रदीप सर,
सर हम लोग यहाँ पे आते क्यों सर? ढूंढो इस माकांता को, ये सब उसी की चाल है, घर में छुप के कहीं बैठी होगी। चलो जल्दी। कांता जी बहुत भाग लिया। आखिर मैंने क्या किया है? आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? विशाल का खून किया तुमने? सर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हम पे, हमने उसे नहीं मारा। तुमने साबुन पर चाबी का छाप लेकर लॉकर का डुप्लीकेट चाबी बना, लॉकर में बॉम्ब लगाया, इस सब का गवाह है हमारे पास। ये सच है सर कि मैंने लॉकर में बॉम्ब लगवाया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था सर। झूठ बोल रही है तुम। तुम्ही ने वो धमकी भरी चिट्ठी लिखकर उस लॉकर में रखी थी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? मुझे किसी चिट्ठी के बारे में नहीं पता। अच्छा, विशाल के टी-शर्ट पे तुमने जहर लगा दिया था, ये तो याद है ना? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ लॉकर में बम लगाया था। क्यों किया ये सब? वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। मुझे महाकांता को मुझसे इन्वेस्टमेंट करा के मेरे ही पैसे से गुलछर्रे उड़ा रहा था वो। और जब मैंने उससे वापस मांगे पैसे तो उसने मना कर दिया। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसके लॉकर में बम लगा दिया, सिर्फ उसे डराने के लिए सर। मामूली सा बम। किसी की जान लेकर उसे सबक नहीं सिखाया जाता महाकांता। तुमने विशाल का खून किया और उसका सबक तुम्हें कानून सिखाएगा। विशाल के खूनी को पकड़ने में हमें आप सबकी मदद चाहिए। सर आपको जो मदद लगे वो हम देने के लिए तैयार है, पर खूनी को मत छोड़िएगा। देखो, विशाल के लॉकर में से हमें एक चिट्ठी मिली है, उसमें उसे धमकी दी गई थी और वो चिट्ठी मैच वाले दिन दी गई थी। कुछ मालूम है इसके बारे में? सर मुझे एक चिट्ठी दी थी उस दिन विशाल को देने के लिए। किसने दी थी चिट्ठी? विशाल के ड्राइवर ने। ये लेटर आप विशाल जी को दे देंगे? विशाल को? हाँ जी। ओके ओके ठीक है। अरे विशाल, तुम्हारे ड्राइवर ने चिट्ठी दी है, कहा है कुछ अर्जेंट है। किसकी चिट्ठी हो सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कितना टाइम लगा रहे हो? वो साहब इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलो। बस दो मिनट में। कम ऑन गाइस। इस विशाल के ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। आप लोग इस तरह बिना किसी सबूत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारंट दिखाइए। दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, चलो। मैं अदालत जाऊंगा। आप लोग इस तरह मुझे कमजोर समझ कर मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। कमजोर? अच्छे खासे तो दिख रहे हो। चलो छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। चलो छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। सर इसे वारंट देखना है। अच्छा, वारंट देखना है? नहीं नहीं सर, मारना पिटना मत साहब। तो फिर बता, विशाल का खून होने से पहले लॉकर रूम में तुमने विशाल को धमकी भरी चिट्ठी दी थी या नहीं? चिट्ठी तो दी थी। किसने दी थी चिट्ठी तुम्हें? वो एक औरत ने मुझे दी थी विशाल जी को देने के लिए। कौन थी वो औरत? निधि मैडम। कौन है ये निधि?
दीपाली जी की बहन। दीपाली की बहन निधि। हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी विशाल को, और विशाल के ड्राइवर को भी मैंने ही दी थी, लेकिन वो धमकी भरी चिट्ठी नहीं थी। निधि जी, वो चिट्ठी हमें मिल गई है, वो कोई प्रेम पत्र नहीं था। बताओ क्यों मरवाया तुमने विशाल को? देखो निधि, इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। सच सच हमारे सवालों का जवाब दे दो, क्यों मारा तुमने विशाल को? मैंने विशाल को नहीं मारा, मैं तो विशाल से प्यार करती थी, उसकी जान बचाना चाहती थी मैं। क्या? हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने विशाल को सावधान करने के लिए लिखी थी। काश उसने वो चिट्ठी पढ़ी होती तो आज वो जिंदा होता। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से? नहीं, विशाल को तो पता भी नहीं था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी जान को खतरा था? क्योंकि उसने आसीन में सांप पाल रखे थे। जिस दीपाली के साथ मिलकर वो काम कर रहा था ना, वही उसे मरवाना चाहती थी। तुम अपनी बहन के खिलाफ बयान दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने दीपाली की सारी काली करतूत देखी है। वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि वो विशाल को मरवाना चाहती है, और यही नहीं सर, उसने आप लोगों से भी झूठ बोला है। क्या झूठ बोला उसने हमसे? यही कि विशाल ने उसको धोखा दिया था और वो सारे पैसे लेकर भागना चाहता था। तो सच क्या है? विशाल और दीपाली पार्टनर्स थे। स्पोर्ट्स क्लब के एक इवेंट के लिए इन लोगों ने 10 इन्वेस्टर से पैसे लिए थे, और दीपाली सारे पैसा अकेले हजम कर लेना चाहती थी। ओह, तो इसीलिए उसने विशाल को मरवा दिया। तुमने और विशाल ने मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की, और फिर भागने का प्लान था तुम्हारा, मगर फरार होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में लालच आ गई और तुमने विशाल को मार डाला सारे पैसे हड़प करने के लिए, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। किसने कहा आपको ये सब? किसी और ने नहीं कहा है, तुम्हारी बहन निधि ने बताया हमें। क्या, निधि ने कहा ये सब? हाँ, और अब सच्चाई क्या है ये तुम अपने मुंह से बता दो। हा? विशाल के मरने के बाद वो अपने होशो हवास खो बैठी है, उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। अच्छा, तो ठीक है, तुम बता दो क्या सही है। सर, हम दोनों ने साथ में भागने की प्लानिंग जरूर की थी, लेकिन उससे पहले उस रात। ओ गॉड, विशाल क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे जल्दी। दीपू डार्लिंग, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें कैसे नीचे उतार सकता हूँ? तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए, आज तुम्हारी वजह से मैं इतना अमीर बन गया हूँ। ओ गॉड विशाल, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों अमीर हो गए। दीपू डार्लिंग, मैं अमीर बन गया, तब तुम अमीर बन गए, अब हम दोनों अलग थोड़े हैं। ओह, बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम आज। दौलत, शोहरत, इज्जत, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो रोमांटिक होना तो बनता है। तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? रुको ना थोड़ी देर विशाल, इतनी भी क्या जल्दी है? वो कल मेरा फाइनल मैच है, मुझे भी आराम भी करना है, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, हर बात तो मैं ही समझू। दीपाली, बस कल ही की बात है, उसके बाद मैं और तुम सिर्फ दोनों, फिर हमारे बीच कोई नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर। यू डू टेक केयर, बाय। विशाल,
अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम वापस आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो दीपाली, तुमने और विशाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे पैसे खाए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी देकर इसकी भरपाई करोगी। सुनो, तुम्हारा विशाल कल मैच के दौरान मारा जाएगा और तुम मैच के बाद। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, उस खूनी से खुद को बचाने के लिए मैं विशाल की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना चाहती थी और जेल चली जाना चाहती थी ताकि मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग असली खूनी को पकड़ ही लेते और फिर कानून मुझे छोड़ देता। मुझे सीआईडी पे बहुत भरोसा है। वाह, क्या बात है, सीआईडी पे इतना भरोसा हा? और सीआईडी कोई झूठी कहानी बना के सुना डाली? नहीं नहीं सर, मैं इस बार सच बोल रही हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, और किस किस से पैसे ऐंठे हैं तुम लोगों ने? सर स्पोर्ट्स क्लब से 10 इन्वेस्टर्स हैं। और उन 10 में से एक इन्वेस्टर तो हमारे कब्जे में है, महाकांता। बचे 9 लोग। और इन 9 में से कोई एक खूनी है सर? हाँ दया, और उस एक को कैसे सामने लाना है उसका भी एक तरीका है हमारे पास। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनिए, अब गरीबी के दिन भूल जाइए। आपके पास जितना भी पैसा है आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिएगा, जो इन्वेस्ट करता है वही कमाता है, और जो सोचता है खैर वो सोचता ही रह जाता है। दर्शकों, आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस तरीके से रोड पर नाच रही है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी खुशी है जो इसको मिल गई है। हाँ तो प्लीज बताइए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग अमीर हैं उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करके महा अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, हजारपति बन सकते हैं लखपति, और लखपति बन सकते हैं करोड़पति। तो दर्शकों, अब तो आपको माजरा समझ में आ ही गया होगा कि इस खूबसूरत सी लड़की ने मार्केटिंग का एक नया रास्ता निकाला है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ और। तो मैडम आप और क्या बताना चाहेंगे स्कीम के बारे में? मैं अपने स्कीम के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी विशाल जी के भाई ने एक अमेजिंग प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के, जैसा कि वो पहले करते आए हैं। मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कल स्टेडियम में जरूर आइए, एक साल में आपके पैसे हो जाएंगे 10 गुने ज्यादा। आइए हमारे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए और अमीर बन जाइए। We'll be right back.
तो आप हैं। बोलो क्यों मारा विशाल को? सर, दीपाली और विशाल ने मुझे एक साल में 3 गुना पैसे देने का वादा किया था। उन्होंने मेरी जीवन भर की सारी कमाई ले ली और एक दिन जब मैंने उन दोनों को बात करते सुना कि I love you दीपाली, तुमसे बढ़िया एक्टर तो हो ही नहीं सकता है, मान गए। अच्छा, और तुम भी तो कमाल की एक्टिंग करते हो, कम हो गया तुम? हमने सही बेवकूफ बना रहे को। सही कहा, ये लोग इतनी आसानी से पैसे थोड़ी नहीं देते। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा नाटक करता है वो उतना ही बड़ा अमीर बनता है। अली, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? उन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने इन्हें लूट लिया। ओ कम ऑन विशाल, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्यार के लिए तो कर रहे हैं। मैं गरीबी में नहीं जी सकती, नहीं। और दीपाली, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सच? कसम से। तो चलो मुझे यहाँ से लेकर भाग चलो। भाग चलो, लेकिन कहाँ? उस दुनिया में लेकर चलो जहाँ ये पैसे मांगने वालों की नजर हम पे ना पड़े। विशाल, लेट्स सेलिब्रेट, हम लोग पार्टी करते हैं। नहीं नहीं दीपाली, अभी नहीं। सबसे पहले हमें ये शहर छोड़ के दूर जाना, उसके बाद वहाँ मस्त पार्टी करेंगे। कम ऑन विशाल, लेट्स सेलिब्रेट ना, इतनी बड़ी खुशी है, कम ऑन। तो एक चीज की हम पार्टी कर सकते हैं, इन इन्वेस्टर्स की बेवकूफी का और अपनी होशियारी का पार्टी। नहीं ना विशाल, अपने अमीर बनने की खुशी की पार्टी करते हैं। लेट्स पार्टी। मुझको बेवकूफ बनाया, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनल मैच को सिर्फ 3 दिन बाकी है, उस दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मौत का इनाम। अब आप ही बताइए सर, मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई मेरी जीवन भर की पूंजी ऐसे ही लेके चला जाए। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, धोखा खाते हो। इतनी आसानी से पैसे कहीं दुगने होते हैं क्या? मां कांता, दीपाली और तुमने गैर कानूनी काम किए हैं, तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला अब कानून करेगा। गर्ल्स, गर्ल्स ये देखो, बेस्ट पीस है, बहुत अच्छा लगेगा इस पे, है ना? ये देख, ये कैसा है? वाओ, लवली कलर, हाँ? नाइस। ये देख, ये देख, कैसा है? लेटेस्ट फैशन है मैम, क्या चॉइस है आप लोगों की, है ना? अच्छा है। यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ। भगवान, श्रेया, पूरी दुकान देख चुके यार, कुछ तो पसंद कर। ट्राई करते, ट्राई करते, चल थोड़ा ऑप्शन दे। भैया, भैया वो पिंक
इसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ भाई साहब? मुझे ये दिखाई। ये लीजिए। क्या ये पसंद आया तुझे? हाँ। चल ठीक है, तुझे पसंद आया ना, ठीक है पैक कर दे। अच्छी है। कितने की? ये 35 की है मैम। 35,000। क्या जी? 35 जी। डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट है मैम। 32,000 हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.